जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 8 नंबर 5 8 नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे पहले हमने किया 8 नंबर 3 8 नंबर 4, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे, 4 क्वेश्चन आंसर। तो ये जो 8 नंबर 5 8 नंबर 6 है ना, इसमें हमारे पास हम दो ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या है, सिंपल सा है, जैसा 8 नंबर 5 वैसा ही 8 नंबर 6 है, वैल्यूज़ एक्सचेंज है। तो हम एक 8 को समझेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बेसिकली 8 नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। उसमें हमारे पास क्या होता था, एक फंक्शन होता लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई और पी का, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो होता था, है ना। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक्स और पी का होगा या वाई और पी का होगा, इन दोनों में से एक चीज़ गायब होगी इसमें 8 नंबर 5 और 8 नंबर 6 में। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होगा एक्स पी का या वाई पी का, इन दोनों में से एक चीज़ गायब होगी हमारे पास। तो उस टाइप का हमारे पास फंक्शन होगा और राइट हैंड साइड में ज़ीरो होगा। तो कुछ इस तरह का, जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा पी या एफ ऑफ वाई कॉमा पी, तो इसमें वाई गायब होगा, इसमें एक्स गायब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को मिलने। तो 8 नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वेशन नॉट कंटेनिंग एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक्स नहीं है। तो मतलब ये वाली टाइप का क्वेश्चन, एफ ऑफ वाई कॉमा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं, तो इन दोनों को समझेंगे हम। पहला तो ये दूसरा केस है ना, ये हमारा बिल्कुल वैसे जैसे 8 नंबर 3 8 नंबर 4 है, बिल्कुल वही है, सॉल्व बाय 8 नंबर 3 8 नंबर 4। तो पहले जैसा ही है हमारे पास, इसमें स्पेशल क्या है हमारे पास कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे हम 8 नंबर 5 की अगर बात करें, तो इसमें नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब एक इक्वेशन होगी एफ ऑफ वाई कॉमा पी करके इक्वल टू ज़ीरो। हम 8 नंबर 3 8 नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि हम एक्स और वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, एक्स या वाई को, ठीक है ना। तो हम इसमें से हम क्या लेंगे, वाई वाई लेंगे, तो वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड हमारे पास फंक्शन बन जाता है, वो बचेगा हमारे पास यहाँ पे पी का फंक्शन बचेगा, इस टाइप का हमारे पास होगा। तो इसको हमने पहली बात, तो हमने इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 8 नंबर 3 8 नंबर 4 में सॉल्व किया है। बट यहाँ पर जो केस नंबर 1 है ना, उसमें क्या है, सॉल्वेबल फॉर पी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम पी को रखेंगे और दूसरी साइड फंक्शन बन जाएगा वाई का, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पी होता है डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल्स टू एफ ऑफ वाई, ये वाला एक फंक्शन है हमारे पास वाई का। तो यहाँ पे हम सेपरेटिंग वेरिएबल आराम से कर सकते हैं विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग। जब हम पी को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं ना, तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहले स्टेप में हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते, उसकी अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स है और यहाँ पे हमारे पास वाई है, तो हमारे पास वाई और एक्स पहले ही आ गई बिना डिफरेंशिएशन करके, हमारे पास वाई और एक्स वाली टर्म्स आ गई। तो इनको हम ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं, तो वाई वाई वाली एक साइड, एक्स एक्स वाली एक साइड, ये वाली चीज़ नीचे आएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर f(y) dy इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने से ये कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ये एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f(y) dy। तो इस टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। ध्यान से देखो, ये हमने एक इक्वेशन ली जिसमें x नहीं था, और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड p को लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी कुछ इस तरह से। और दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले किया था, ये फंक्शन है y और p का, इसमें से हम एक्स और एक्स या वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स तो है नहीं, तो वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, अगली साइड हमारे पास फंक्शन बन जाएगा पी का, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, फिर हम इसको जैसे हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही आएगा। तो यही है हमारे पास। तो अब जो हमारे पास 8 नंबर 6 है, वो भी सेम ऐसा ही है। इसमें हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नॉट कंटेनिंग वाई, इसमें वाई नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्स और पी की हमारे पास फंक्शन होगा। जो मैंने पहले सीखा था कि x और y में से एक चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे y नहीं है, तो x को ले जाना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू जी ऑफ p बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो सेम टर्म्स होगी, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा केस होता है कि हम यहाँ पे x और p है, तो अगर इसमें हम p को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा राइट हैंड साइड में x का, ठीक है ना। पी हमारे पास, अब इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पी होता क्या, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये फंक्शन है एक्स का, यहाँ पे एक्स और वाई दो टर्म्स हमारे पास मिल गई, तो हम इसको डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं,
एक्स एक्स वाली एक साइड, वाई वाई वाली एक साइड, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएट करने की, तो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास वाई नहीं है तो यहाँ पे सॉल्यूशन वाई की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं था तो एक्स की फॉर्म में सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे ये रहती है, क्वेश्चन को देख के कैसे पता करें कि हम इन दोनों में से कौन सा केस यूज़ करें, केस नंबर वन यूज़ करें, केस नंबर टू यूज़ करें, किस तरह से हम सॉल्व करें। अच्छा, कहाँ थे हम कि कैसे पता लगे कि कौन से क्वेश्चन में केस नंबर वन लगाना है कि केस नंबर टू लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, आपने रफ़ एक लाइन खींच ली है रफ़ करके। अब वहाँ पे रफ़ में आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन जैसे इस टाइप का होगा, वाई और पी वाला फंक्शन होगा, जैसे क्वेश्चन होगा ना उसमें वाई हो गया पी हो गया बस, एक्स नहीं होगा, या फिर एक्स और पी होगा वाई नहीं होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन का आपने ले लेना। जैसे बात मान लो कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम खैर आगे वाले क्वेश्चन तो करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको आपको पहले सॉल्व करना है। हमने पिछले जैसे किए 8 नंबर 3 8 नंबर 4 में सॉल्व किया, कैसे एक्स या वाई को एक साइड ले लेना है और फिर उसको सॉल्व करके देखना है, उसको डिफरेंशिएट करोगे, सेपरेटिंग वेरिएबल करोगे, उस तरह से अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, तो आपको फिर उसको फेयर में उतार लेना है, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर उसकी तरह से सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करोगे, जो एक्स और पी है या फिर वाई और पी है उसमें से पी को आप एक साइड ले लो, जितने भी पी है उसको एक साइड ले लो, पी आ गया एक साइड, पी होता क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आपका फंक्शन बचेगा एक्स का। तो क्या करोगे, तो फिर यहाँ पे सीधा आप सेपरेटिंग दी वेरिएबल, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो 8 नंबर 5 8 नंबर 6 इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर करते तब अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास आ गया सॉल्व करना है। पहले आपने देखा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पर हमारे पास क्या है, फंक्शन काय का है, ये हमारे पास y और p का फंक्शन है, b यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। y स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस p का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू b, b कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, p और y यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया y और p का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम इसको पहले वाले तरीके से करेंगे जैसे हम करके आ रहे हैं, उसमें क्या करते थे, x और y में से एक चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा तो y का स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 1 माइनस पी का स्क्वायर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको मैं अलग से सॉल्व करके रखा हूँ, देखो यहाँ पे y का स्क्वायर इधर ही रखा, ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड में चली जाएगी इस तरह से। अब y का स्क्वायर नहीं चाहिए, y चाहिए तो बोथ साइड अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अब dy वाई ओवर dx करना, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करोगे तो इस टाइप का आ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्वेश्चन। और अगर आप क्या करते हो कि अब लेफ्ट हैंड साइड में पी को रखते हो, ध्यान से देखना, पी को रखते हो, जैसे आपने क्वेश्चन इतना करा रफ़ में करा है इतना ना, ये लाइन लगा के रफ़ में आपने इतना सॉल्व किया, आपको पता लग गया, यहीं पे पता लग गया भाई, एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन करना, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन करो, तो आप दूसरा तरीका अपनाओगे। दूसरा तरीका क्या है, पी को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, तो पी को रखोगे तो सॉल्यूशन हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वाई का स्क्वायर 1 माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। अब हमने इस वाले टर्म को इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखा, ये वाली चीज़ परे चल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओवर वाई का स्क्वायर। अब 1 को हमने परे भेजना या फिर इसको हम परे भेज देते तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी ओवर वाई का स्क्वायर, इसको इधर इसको इधर, ठीक है ना। पी नहीं चाहिए, अब पी का स्क्वायर नहीं चाहिए, पी चाहिए हमारे को, तो बो साइड अनरूट करना पड़ेगा। इसको हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। बोथ साइड अंडर रूट अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय वाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पी होता क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स और अंडर रूट में वाई का स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय वाई। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ना, तो ये वाली पूरी टर्म वाई वाली है और ये भी हमारे पास वाई वाला है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको y के पास भेजो, तो ये सेपरेटिंग द वेरिएबल लग जाएगा यहाँ पे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो जो x x वाले उसको x के साथ, y वाले y के साथ, तो क्या हो जाएगा, y ओवर अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस बी डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। सिंपली है ना, पहले तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी, तो अब सिंपली इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करते, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो, पहले तो ये प्रॉपर फंक्शन है, ऊपर
कि जो पावर है वो छोटी है और इसकी बड़ी है, तो ये प्रॉपर फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप की इंटीग्रेशन के लिए, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम टी पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? टी पुट करते हैं। तो लेट वाई स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी ओवर टू वाई। तो डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, डी टी ओवर टू वाई। तो नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन y तो y रहेगा, अंडर रूट टी, डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, डी टी ओवर टू वाई। तो y से y कैंसिल, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/√2 की विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को रखते हैं ना इस साइड को, देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो ये आपको रफ में पहले सॉल्व करके देखना है, फिर उसके बाद हम p को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ अब 1/√t की इंटीग्रेशन करनी है, 1/2 बाहर, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर में 1/2 और वो भी माइनस में, और इसकी इंटीग्रेशन करनी dt के रिस्पेक्ट में। नाउ 1/2 बाहर, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसी होती है, इसकी पावर में एक जुड़ जाता है, तो -1/2 प्लस 1 क्या होता है, इक्वल टू 1/2। तो 1/2 मतलब √t, ठीक है, और ये 1/2 नीचे भी आएगा, तो 1/2 जब नीचे आएगा ये ऊपर को चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया 1/√t प्लस सी, ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। अब 1/√t प्लस सी ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, एक्स था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 1/√t प्लस सी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी है हमारे पास, हमने टी किसको माना, वाई स्क्वायर माइनस बी को, तो क्या आ जाएगा 1√y²-b प्लस सी। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है ना इसमें हमारे पास एक्स वाई और सी को छोड़कर कुछ और नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन। बट अब ध्यान देना कि सॉल्यूशन में हमारे पास √ नहीं होता है, है ना, आपको पता है ना सॉल्यूशन में √ नहीं होना चाहिए, कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, √ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर √ है तो सॉल्यूशन ये नहीं है। तो हमें क्या करना, √ रिमूव करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। अब ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, इसको एक साइड रख लेता हूँ और x प्लस सी को या फिर x माइनस सी को एक साइड रख लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा √y²-b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो डायरेक्ट √ कट जाएगा, तो डायरेक्ट √ कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y²-b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी का होल का स्क्वायर। एक और बात है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, देखो सी तो अपनी मर्जी होती है इस साइड लगाना या इस साइड लगाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ही इस साइड लगा लिया, तो यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो y² इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का होल का स्क्वायर प्लस बी, ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अगली वीडियो में इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 8 नंबर 7 पे जाएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इसमें हम भागवतिक चर्चा नहीं कर सकते, अगली वीडियो में हम भागवतिक चर्चा अवश्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।